हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में नारुतो सीरीज के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल जुत्सु और टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो नंबर 20 पे आता है सुकुयोमी। हालांकि ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल एक्यूलर गेंजुत्सु था एंड जिसको यूज करने वाला इताची था एंड ग्रांटेड टू हिम बाय हिज मंकी क्यू शारिंगान। हालांकि ये ब्रोकन और एक्सट्रीमली हार्ड जुत्सु है। हालांकि ये जुत्सु एक इल्यूजन क्रिएट करता है और इसके इल्यूजन से बच पना लगभग इम्पॉसिबल है। ये जुत्सु अपने अपोनेंट को लगभग जान से भी मार सकता है। एंड इसके बाद 19 नंबर पर आता है शिनरा टेंसाई, यानी कि ऑल माइटी पुश। हालांकि ये जुत्सु हम सबका फेवरेट है और इसको यूज करने वाला फर्स्ट कैरेक्टर पेन यानी कि नागोटो था। इस जुत्सु को वही एक्सेस कर सकता है जो कि रेनेगान आइस से पजेस हो। ये जुत्सु एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है, किसी को भी अपने पास खींच सकता है, इवन उसे थ्रो भी कर सकता है। यहाँ तक कि ये एक रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट कर सकता है और इसी रिपल्सिव फोर्स की हेल्प से नागोटो ने पूरे हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन इसने अमात्रस को भी थ्रो कर दिया था खुद को जलने से, जबकि अमात्रस का फ्लेम सबसे डेंजरस फ्लेम है। ये फ्लेम अपने अपोनेंट की लगभग जान लेके ही रहता है। एंड नंबर 18 पर आता है इजानागी। हालांकि इस टेक्निक को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो कि उचिहा और सेंजू क्लैन की पावर से पजेस हो। ये बाकी के गेंजुत्सु से सबसे अलग जुत्सु है। ये जुत्सु दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। ये जुत्सु दूसरों को इल्यूजन में डालने के लिए नहीं बल्कि खुद को इल्यूजन में डालने के लिए है। इस जुत्सु के हेल्प से यूजर अपनी लाइफ के लिए कमबैक कर सकता है और यहां तक कि इस जुत्सु का यूज करके यूजर खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बना सकता है। वो अपनी लाइफ को फिर से लिख सकता है, इवन उसे बदल और चेंज भी कर सकता है। एंड 17 नंबर पे आता है इजानामी। इस टेक्निक को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो कि उचिया और सेंजू क्लैन की पावर से पजेस हो और ये इजानागी से कहीं ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इस जुत्सु के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जुत्सु के बारे में हम सब जानते हैं, बिकॉज इताची ने इस जुत्सु का यूज करके काबुटो को रोका था। हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, इजानामी को यूज करने के लिए यूजर को अपनी एक आंख की रोशनी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इवन यूजर आर आल्सो पजेस द शारिंगान। एंड नंबर 16 पर आता है प्रैक्टिकल स्टाइल, यू कहो कि एटॉमिक डिसमेंटलिंग। इस टेक्निक को हम डस्ट रिलीज टेक्निक भी कह सकते हैं। हालांकि इसे मांगा में सबसे बेटर तरीके से प्रेजेंट किया गया था और इस टेक्निक को अब तक सिर्फ दो ही यूजर एक्सेस कर पाए हैं। इसको इन्वेंट करने वाले सेकंड सूचिका के मुंह थे एंड आगे जाके इस टेक्निक को थर्ड सूचिकागे ने भी यूज किया था। फायर, अर्थ एंड विंड नेचर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम डस्ट रिलीज को यूज करते हैं। ये हमारे चक्र फील्ड को क्यूब, रेक्टेंगल और रोलर की तरह ये प्रोजेक्ट करता है और अपोनेंट पे अटैक करता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा डेंजरस है कि ये अपने अपोनेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही रिड्यूस कर देती है। एंड नंबर 15 पर आता है फ्लाइंग थंडर गॉड। हालांकि ये जुत्सु एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है और इसको डेवलप करने वाले सेकंड होकागे तोबीरामा सेंजू थे और आगे जाके इसको सबसे बेस्ट तरीके से मिनाटो ने यूज किया था जो कि फोर्थ होकागे नारुतो के डैड थे। हालांकि ये एक टेलीपोर्टेशन जुत्सु था, अपने साइन को किसी भी एलिमेंट पे मार करके यूजर कहीं भी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। इवन इस टेक्निक के हेल्प से हम किसी को भी और किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और इस टेक्निक को मिनाटो से बेहतर शायद ही कोई यूज कर सकता है। एंड नंबर 14 पर आता है काटवा मुत्सुकामी। माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो मुझसे। ये अब तक की सबसे ब्रोकन शारिंगान एबिलिटी है। अगर इन्फिनाइट सुकुयोमी के बाद कोई दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु आता है तो है काटवा मुत्सुकामी। इसको फर्स्ट यूज करने वाला सासुई उचिहा था जो कि इताची का बेस्ट फ्रेंड था एंड बाद में इसको ऑब्टेन करने वाला डांजो और इताची थे। इस टेक्निक के हेल्प से हम किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं बिना उसको पता चले। नंबर 13 पर आता है अंडरवर्ल्ड स्लोप हिल। इस टेक्निक को यूज करने वाली फर्स्ट कैरेक्टर कागुया थी जिसको हम मदर ऑफ चक्रा भी कह सकते हैं। इस टेक्निक के हेल्प से हम स्पेस में कहीं पर भी ब्लैक पोर्टल को खोल सकते हैं। कागुया इस टेक्निक के हेल्प से अपने किसी भी अपोनेंट को दूसरे डायमेंशन में भेज देती थी और अगर इसने अपने हाथों से तुम्हें छुया तो तुम नहीं बचोगे। कागुया के टच करते ही तुम्हारे सेल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आल्सो क्रिएट द लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। इसके लिए तो नारुतो और सास्के खुद को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे कागुया से। एंड नंबर 12 पर आता है सेज आर्ट वुड रिलीज एंड इसको हम ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स भी कह सकते हैं। तो देखो यार, अगर तुम हाशिरामा संजू के फैन होगे तो तुम्हें इस टेक्निक के बारे में सबसे बेटर तरीके से पता होगा। इसको इन्वेंट करने वाला फर्स्ट कैरेक्टर इंदिरा था एंड उसके बाद इस टेक्निक को सबसे बेटर तरीके से परफॉर्म करने वाले हाशिरामा सिंजू थे। हाशिरामा सिंजू ने इस टेक्निक का यूज करके मदरा विच नाइनटेल फॉक्स को हराया था। कैन यू इमेजिन कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। हालांकि अब यामाटो भी इस टेक्निक को यूज कर सकता है। एंड नंबर 11 पर आता है टेंटेल बिजू बॉम्ब। इस टेक्निक को सिर्फ टेंटेल बीस्ट ही कर सकता है। ये टेल बॉम्ब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है कि ये आधे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इस टेंटेल बॉम्ब को फुली चार्ज किया जाए
तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल टेक्निक होगी। नंबर 10 पर आता है कैटास्ट्रोफिक प्लेनेटरी डिविस्टेशन। इस टेक्निक को सिर्फ वही यूजर कर सकता है जो कि देवा पाथ ऑफ रेनिगान से पजेस हो। ये पूरे नरूटो की सीरीज में सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। यूजर इस टेक्निक से एक स्मॉल ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है लाइक अ बॉल। अगर एक बार अपोनेंट इसके कैप्चर में आ गया तो उसका बच पाना इम्पॉसिबल है। इसी टेक्निक प्लेनेटरी डिविस्टेशन के हेल्प से होगोरामा ने कागुया को हराया था। नंबर 9 पर आता है 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक। हालांकि ये कागुया का एक ताइजुत्सु टेक्निक है। कागुया इस टेक्निक के हेल्प से बहुत सारे चक्रा को क्रिएट करती है और उन सब चक्रा को एक फीस्ट में कन्वर्ट करती है और पंचेस के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं अपने अपोनेंट के खिलाफ। ये टेक्निक लगभग हासिरामा सेंजू के 1000 हैंड के सिमिलर ही है। अगर इस टेक्निक को हम अपने ब्याकुगान से कंबाइन करें तो ये टेक्निक और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। नंबर 8 पर आता है ऑल किलिंग एश बॉन्स। हालांकि ये टेक्निक कागुया की बेसिक मूव्स में से एक है। इस टेक्निक में कागुया अपने हाथों से मल्टीपल टाइम बोन्स को रिलीज कर सकती है और हाँ, ये बोन्स अगर एक बार जिसको लग जाए तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे कि हमने ओबिटो को देखा था। इस टेक्निक से तो मुझे भी डर लगता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है कि सेडो क्लोन्स इवन सेजो 6 पाथ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। कैन यू इमेजिन कि 6 पाथ की पावर भी इसके सामने कुछ नहीं है। नंबर 7 पर आता है कमुई शुरिकेन। इस टेक्निक को यूज करने वाला फर्स्ट कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ककासी हटके था। ये कमुई शुरिकेन अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकती है, यानी कि अपोनेंट समझ ही नहीं पाएगा कि शुरिकेन कहां से आने वाली है। ओबिटो ने मरने से पहले अपने कुछ पावर्स को ककाशी को दे देता है एंड इसका यूज करके ककाशी ने साकुरा को बचाया था। ये कामुई शुरिकेन रेगुलर शुरिकेन से कहीं ज्यादा पावरफुल, फास्ट इवन डिस्ट्रक्टेबल थी। हालांकि सेकेंड टाइम इसको अब तक ककाशी ने भी नहीं यूज किया क्योंकि उसकी पावर्स चली जाती हैं। नंबर 6 पर आता है एट थिनर गेट के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जुस्सू के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक ताइजुत्सु है जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल ताइजुत्सु है और इस टेक्निक को अब तक सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स ने यूज किया है, पहला माइट डाय एंड सेकेंड माइट गाय। इस टेक्निक को यूज करने के बाद यूजर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। माइट गाय ने इस टेक्निक को अचीव करने के लिए लगभग 20 साल तक हार्ड ट्रेनिंग की थी और इसी टेक्निक की हेल्प से उसने मद्रादस से जब 6 पाथ की फाड़ के रख दी थी। नंबर 5 पर आता है टाइड। यिन यांग डियो रशियन शुरिकेन्स डामा एंड इंद्रास एरो। ये अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक है और इसको यूज करने वाले अपने नरूटो और सास्के थे जिन्होंने अपने अल्टीमेट फॉर्म को यूज करके इसको यूज किया था। नरूटो ने यिन यांग डबल रशियन शुरिकेन बॉम्ब को रिलीज किया था और सास्के ने इंद्रा के एरो को, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिटरली सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है। एंड नंबर 4 पर आता है आमे नोमी नाके। कागुया ने इस टेक्निक को टीम 7 के अगेंस्ट यूज किया था उनको डिफीट करने के लिए। हालांकि इस टेक्निक को सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है जो कि रेने शरीगान से पजेस हो। कागुया ने इस टेक्निक का यूज करके टीम 7 को लावा के डायमेंशन में भेजा था। यूं समझ लो कि कागुया का ये एक पर्सनल डायमेंशन है। कागुया इस टेक्निक को यूज करने में इतनी कैपेबल है कि वो एनवायरनमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकती है। नंबर 3 पर आता है 6 पाथ चिबाकू टेंसाई। इस टेक्निक को यूज करने वाले हागोरोमा और हामुरा थे। इस जुस्सु को हम 6 पाथ सेंजुस्सु भी कह सकते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है 6 पाथ यिन एंड यांग पावर्स का। ये टेक्निक यूजर के 6 पाथ को एक्टिवेट करता है। ये टेक्निक भी कहीं ना कहीं सिमिलर है प्लेनेटरी डिविस्टेशन के। इस टेक्निक को यूज करने के लिए लगभग 2 यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनको अपने हाथों से अपने अपोनेंट को टच करना पड़ता है और यिन यांग पावर्स को रिलीज करना पड़ता है, जैसे नरूटो और सास्के ने कागुया को हराया था। नंबर 2 है इन्फिनाइट सुकियोमी। ये टेक्निक ओवर हाइप एबिलिटी है पूरे नरूटो की सीरीज में। इन्फिनाइट सुकियोमी के बारे में मुझसे बेहतर तो आप सब जानते होंगे क्योंकि जिन्होंने नरूटो शिपुडेन के एंडिंग के सीन को देखा होगा इस टेक्निक के बारे में उनको सबसे बेटर तरीके से पता होगा। इस टेक्निक को सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है जो कि टेल बीस चक्रा के कॉम्बिनेशन से पजेस हो। एंड यूजर आर आल्सो पजेस द रेनेगान आईज। ये एक तरह का गेनजुत्सु है। ये एक अलग ही लेवल का इल्यूजन क्रिएट करता है। इन्फिनाइट सुकियोमी की लाइट जिसके ऊपर भी पड़ती है वो इस गेनजुत्सु में कैद हो जाता है, जैसे कि हमने एंडिंग के सीन में देखा था। मद्रा ने लगभग सबको ही कैप्चर कर लिया था। नंबर 1 पर आता है एक्सपेंसिव ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब। हालांकि यह एक तरह का निंजुत्सु है। ये टेक्निक 5 नेचर चक्रा के ट्रांसफॉर्मेशन से बना है और ये यिंग यांग भी रिलीज करता है। इस टेक्निक को यूज करने वाला यूजर लगभग इनक्रेडिबल होता है। ये पर्सन के सभी नेचर चक्रा को कंट्रोल कर सकता है, इवन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है। इस टेक्निक के हेल्प से हम किसी भी रीएनिमेटेड शिनोबी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसम्यूटेड कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, डिफेंस और अटैक हम दोनों कर सकते हैं। हम इससे एक वेपन भी क्रिएट
क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इतना कैपेबल है कि एक नए डायमेंशन को कम्प्लीटली क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इनमें से आपकी सबसे फेवरेट वाली टेक्निक कौन सी है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि मैंने रैंकिंग में गड़बड़ की है तो प्लीज आप कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।